बिहार की कमान सातवीं बार संभालने के बाद सीएम नीतीश कुमार एक्शन मोड में हैं। सूबे में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर सख्त चेतावनी दी थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि वो किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसे लेकर जल्द ही पुलिस अधिकारियों और जवानों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की समीक्षा होने वाली है। मामला बर्खास्तगी के लायक होगा और आरोपों से जुड़े साक्ष्य मिलेंगे तो ऐसे मामलों को हरगिज लंबित नहीं रखा जाएगा। इस पर तुरंत कार्रवाई होगी। पुलिस मुख्यालय ने सभी रेंज के आईजी, डीआईजी के साथ साथ एसएसपी और एसपी को दिशा निर्देश भेज दिया है। कोताही बरतने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई को लेकर मुख्यालय इस बार सख्त है। पुलिस कर्मी की गलती पर निलंबन और विभागीय कार्रवाई होती है। आरोपों की गंभीरता को देख सजा भी दी जाती है। कई दफे विभागीय कार्रवाई शुरू तो होती है पर अंजाम तक पहुंचने में उसे वर्षों लग जाते हैं। खासकर वैसे मामले लंबित रहते हैं जिसमें गंभीर सजा होने की आशंका रहती है। पुलिस मुख्यालय पिछले कुछ समय से इसके निपटारे को लेकर बेहद गंभीर है। नए आदेश के तहत सभी लंबित मामलों की समीक्षा के आदेश दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने रेंज आईजी से लेकर एसपी तक को विभागीय कार्रवाई की समीक्षा के आदेश दिए हैं। इसके तहत सभी लंबित मामलों की समीक्षा वरीय पुलिस अधिकारियों द्वारा की जाएगी। वैसे मामले जिसमें बर्खास्तगी की कार्रवाई अपेक्षित है और आरोपों के मद्देनजर साक्ष्य मौजूद हैं, उसे तुरंत निपटाने के आदेश दिए गए हैं। यानी कि गंभीर आरोपों में यदि बर्खास्तगी का मामला बनता है तो उसे किसी भी स्थिति में लंबित नहीं रखा जाएगा। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करने का मकसद साफ सुथरी पुलिसिंग है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक वैसे पुलिसकर्मी जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं और वो प्रमाणित होता है तो उन्हें अविलंब सजा मिलनी चाहिए। ऐसा होने से पुलिस कर्मियों के बीच एक संदेश जाएगा, वहीं इससे बेहतर पुलिसिंग को बढ़ावा मिलेगा। पुलिस में विभागीय कार्रवाई में दोषी पाए जाने पर कई तरह की सजा दी जाती है। इसमें ब्लैक मार्क, निंदा कर वेतन वृद्धि पर रोक या कटौती शामिल होते हैं। यहाँ तक कि बर्खास्तगी की भी सजा दी जाती है। इसमें आपराधिक मामलों में शामिल होने के साथ भ्रष्टाचार से जुड़े मामले भी आते हैं। पुलिस में बड़ी संख्या में विभागीय कार्रवाई का सामना सिपाही से इंस्पेक्टर स्तर तक के पुलिस कर्मी करते हैं। वरीय पुलिस अधिकारी प्रशंसा पत्र तो पाते हैं पर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई और सजा न के बराबर देखने को मिलती है। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि इस तरह की कार्रवाई से पुलिस विभाग में कितना सुधार आता है, क्योंकि कई बार ये भी देखा गया है कि इसमें ऊपर तक के अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगे हैं तो उन पर कार्रवाई की क्या व्यवस्था सरकार करती है। बिहार इन शॉर्ट्स के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।